खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पंचायती राज में किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है यह तो आए दिन देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, अन्य राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, वहीं मशीनरी का उपयोग कर शासकीय राशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। दरअसल मामला नई गढ़ी जनपद की ग्राम पंचायत हड़िया का है, जहां 2 दर्जन से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, लेकिन पूरे जनपद के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार होने के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता ने ही कमिश्नर रीवा को आवेदन देकर मांग की है कि पूरे मामले की जाँच जिला पंचायत के अधिकारियों को भेज कर कराई जाए, जिसमें जनपद के कर्मचारियों को शामिल न किया जाए। पीड़ित की माने तो बाउंड्री वॉल, सामुदायिक शौचालय, तालाब गहरीकरण, चबूतरा निर्माण, सरकारी भूमि में प्लांटेशन, सुदूर सड़क योजना, शांति धाम, शासकीय पाठशाला मेंटेनेंस, पीसीसी सड़क निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, समग्र आईडी में नाम जोड़ने, संबल कार्ड, बीपीएल कार्ड बनाने और मनरेगा योजना में काम करने वाले गरीबों का हक छीन कर अमीरों के नाम मस्ट रोल भर कर पैसा निकालने का आरोप लगाया गया है। दरअसल जागरूक युवक ने एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल को भेजा है, जिसमें स्पष्ट देखा जा रहा है किस तरह से रातों रात सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मानक के आधार पर जितनी सामग्री का उपयोग होना चाहिए वह भी नहीं हो रही है। देखिए किस तरह से नई गढ़ी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हड़िया में सभी नियम कानूनों को दरकिनार कर मशीनरी का उपयोग किया जाता है। इसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद जांच की गई, लेकिन खानापूर्ति कर मामले की लीपापोती कर दी जाती है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ग्राम पंचायत हड़िया जनपद पंचायत नई गढ़ी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्राम पंचायत हड़िया इटारन टोला की सुदूर ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण करवाई जाने वाली सड़क का कार्य है, जो कार्य मनरेगा मजदूरों के द्वारा करवाया जाना चाहिए। सड़क की साफ सफाई का कार्य, सड़क की मरम्मत का कार्य, तो ये मशीनों के द्वारा वर्तमान सरपंच उर्मिला द्विवेदी के पति के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि विधि विरुद्ध है। ये पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन किस प्रकार किया जा रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। आज दिनांक 18/11/2022 को ये कार्य करवाया जा रहा है। ये देखिए, प्राथमिक पाठशाला भी बनी हुई है और ये ग्राम पंचायत हड़िया है, जहाँ पर मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और मनरेगा के मजदूरों का पेट भी मारा जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। ये देखिए, हमारी ग्राम पंचायत हड़िया में ये सुदूर ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, जो रोड का कार्य फिर से स्टार्ट हुआ है, वर्तमान सरपंच के पति द्वारा करवाया जा रहा है। तो उसकी गुणवत्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो ये रोड है, यहाँ पे किस प्रकार मुरम के चुपड़ने का काम किया गया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पे। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हाइटेड है, तो यहाँ पे कितना मुरम का लेपन कार्य किया गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये देख ली अपना पंछे, एहू माही मात्र 2 इंची के लगभग मुरुम डाली गए है। ये देखिए, नया कार्य फिर से स्टार्ट करी नहीं। भूतपूर्व सरपंच 9 लाख रुपया निकाल ले रहे हैं, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव शैलेंद्र पांडे मिलकर सब निकाल ले रहे हैं। अब ये देखिए, जो नया सरपंच भई हैं, उनका पति जी हम ये काम करावा दादागिरी के साथ।